बस यार खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। अब आखिरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं ये कि इस कौम और मुल्क की जो तरक्की के इम्कान है वो इतने कुशादा और इतने वसी हैं कि आप जितनी दौड़ दौड़ लें अल्लाह ताला आपको उतनी ज्यादा तरक्की दे, लेकिन उसकी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि ये जो मुल्क हासिल किया है ये अल्लाह के नाम के अल्लाह के रसूल के तालीमात के लिए हासिल किया था, ताकि यहां के रहने वाले अपनी जिंदगियां इस्लामी इकदार के मुताबिक बसर कर सकें। हमने गुज़श्ता 40 साल के अंदर इस चीज की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं, गुज़श्ता 10 सालों से ये मौलाना अकरम जैसे उलमा कराम और यहां के अकाबरीन जनरल मजीद मलिक साहब, राजा अफसर में जो सफदर साहब की अनायात है कि हम गुज़श्ता 10 साल से कुछ थोड़ी सी इस्लामी इकदार की तरफ तवज्जो दिलाने के अंदर कामयाब हो सके। इस्लाम का नाम ये नहीं है कि आप यहां देखेंगे कितना जोर का नारा मार सकें, लेकिन इस्लाम की इकदार ये होनी चाहिए कि जो अल्लाह ताला को मानने वाला है और जो अल्लाह ताला का नाम लेने वाला है, जो रसूल का शदाई है, जिसके दिल के अंदर हुब्बे रसूल है, जिस वक्त वो नारा लगाए तो जमीन फट जाए, लिहाजा उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप अल्लाह ताला के अहकाम को पूरी तरह पाबंदी करें। अल्लाह ताला ने मुसलमान के ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, रमजान के महीने के रोजे फर्ज किए हैं, ज़कात फर्ज की है, और इसके अलावा इस्लामी इकदार के अंदर ये जरूरी है कि भाई अपने भाई की खिदमत करे, पड़ोसी अपने साथ वाले को देखे कि आया उसने 2 वक्त की रोटी उसको मयसर हुई या नहीं हुई, बीमार की तामीरदारी की है आप या नहीं की है, आपने अपनी बहनों बच्चियों को वो तालीम दिया है या नहीं दिया जिसके जरिए से वो आइंदा आने वाले मुआशरे की बुनियाद रख सके, क्या आपने अपनी 24 घंटे की जिंदगी के अंदर अल्लाह ताला के लिए क्या काम किया। अगर आप अपने दिल से ये पूछेंगे और अगर जवाब मुस्बत में निकलेगा तो आप मुसलमान, अगर जवाब नफी में मिलेगा तो इसमें लाजमी बात है कि हमें और इसके लिए कुछ इकदाम करने होंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें सही मायनों में मुसलमान बनाने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें सही मायनों में अल्लाह ताला हमें सही मायनों में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज सूरत हाल ये है, यहां इस इलाके के अंदर तो अमन अमान है, अल्लाह ताला इस इलाके को हमेशा अमन अमान से नवाजे, लेकिन पाकिस्तान के पास हिस्से ऐसे हैं जहां भाई भाई का खून कर रहा है। इस्लाम के अंदर अगर एक मुसलमान का नाहक खून बहाता है तो वो ऐसा है जैसे पूरी कौम को खून कर दिया। आज पाकिस्तान के अंदर भाई भाई के खिलाफ हमारे बाज खत्ते ऐसे हैं, बाज ऐसे शहर हैं जहां पर के सूरत हाल बड़ी तश्वीशनाक है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला वहां अमन कायम करे, हमें इस काबिल बनाए कि हम सही मायनों में यहां पाकिस्तानियों की मुसलमानों की इज्जत आबरू और उनकी इमलाक का सही तौर पर हुकूमत तहफ्फुज कर सके, ताकि हर शहरी एक आजाद शहरी होने के जरिए से, एक आजाद मुसलमान होने की हैसियत से, एक अच्छा पाकिस्तानी होने की हैसियत से अपनी जिंदगी गुजार सके। ये जिंदगी जो है यहां पर हमेशा सारी उम्र किसी ने नहीं बैठ सकती, यहां से 10 कदम के फासले पर देखिए आपको कब्रिस्तान नजर आएगा। आप और मैं रोजाना एक जनाजा जाता जाता देखते, हमने भी एक दिन इस मिट्टी के नीचे 6 फुट जाना है और वहां पर जाकर पुरसिश होगी कि बताओ मैंने तुम्हें जिंदगी अता की थी, उस जिंदगी के अंदर तुमने क्या काम किया है, क्या आया उस मौके के लिए मैं और आप तैयार हैं। अगर तैयार हैं तो फिर हमें अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए, अगर तैयार नहीं है क्योंकि मौत का वक्त मुअय्यन नहीं है, अगर अल्लाह ताला जिंदगी अता फरमाए तो उसका सही फायदा उठाकर कौम और मुल्क की खिदमत करनी चाहिए, इस्लाम की खिदमत करनी चाहिए, अपने बच्चों की अपने अजीजों अकारब की खिदमत करनी चाहिए, ताकि हम आइंदा के लिए एक ऐसा माशरा छोड़ के जाए जो कि सही मायनों में इस्लामी इकदार पर मुहसर। मैं आपसे तवक्को करूंगा
कि चकवाल के लोग, इस खित्ते के लोग, ये बड़ा मर्दम खेज खित्ता है, जैसे कि मौलाना ने आज अपनी तकरीर में भी फरमाया, इस खित्ते के लोगों ने इस कौम और मुल्क के लिए खून बहाया है, इसकी सरहदों की हिफाजत के लिए जान की कुर्बानियां दी हैं। आज भी अफवाज पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा आपके इस खित्ते के साथ ताल्लुक रखता है। ये एक न सिर्फ कौम और मुल्क की खिदमत है बल्कि एक इबादत है। मुझे उम्मीद है कि आज के जवान बच्चे जो है वो पढ़ लिख कर तालीम हासिल करने के बाद अफवाज पाकिस्तान के अंदर आए। मैं रिक्रूटिंग मेला नहीं चला रहा हूं, सिर्फ मेरी अपनी तवक्कात का इजहार कर रहा हूं, क्योंकि जिस खित्ते के लोगों के अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत होगी, रसूल की मोहब्बत होगी, उसको उनके अंदर कौम और मुल्क की भी मोहब्बत लाजमी तौर पर होगी। और जब इस जज्बे के साथ आप आएंगे तो फिर कोई दुश्मन आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। आज पाकिस्तान को बहुत से दुश्मनों का मुकाबला है, अंदरूने मुल्क भी और बैरूने मुल्क भी। ये हम उसी हालत में इससे निजात हासिल कर सकते हैं जब हम में इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़कर उसकी राह के लिए चलने के लिए हम हमा तमा रहे, ताकि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी फरोख़रू फरमाए। इन अल्फाज के साथ मैं आप हजरात का मशहूर हूं कि आपने बड़ी खामोशी के साथ, जरा यार खामोश है, एक मिनट करें यार, सलूट नहीं, मुझे बहुत से सलूट नहीं।